दोस्तों, आपको ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो इस समय बाईबैक कर रही हैं शेयर्स का, अपने बाईबैक कर रही हैं। तो क्या हमें बाईबैक में शेयर्स को सरेंडर करना चाहिए, और बाईबैक इतने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? तो लास्ट ईयर जो है, पिछले बजट में जो है, गवर्नमेंट ने डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो 10 लाख से ऊपर अगर किसी को डिविडेंड मिलता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको उससे बचने के लिए जो है, लास्ट ईयर बहुत सारी कंपनीज ने जो है काफ़ी हैवी डिविडेंड दिया था। बहुत अच्छी बात है ये शेयर होल्डर्स के लिए। अब इस साल अगर वो ये काम करती हैं तो उनको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियां जो है इससे बचने के लिए क्या कर रही हैं, बाईबैक कर रही हैं। तो बाईबैक में भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको। तो कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है या बाईबैक कर रही है या बोनस शेयर इशू कर रही है, तो वो तब कर पाती है जब उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो और उसके पास ठीक ठाक अमाउंट में कैश हो। और ये सरप्लस कैश जो है, जिसकी उसको यूज़ नहीं है, जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंशन करने के बाद जो बचता है वो कैश, वो उसको डिविडेंड में या बाईबैक के थ्रू ये सब में जो है बांट देती है लोगों में। अब बाईबैक में होता क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो जितने शेयर कंपनी ने बाईबैक किए उतने शेयर कम हो जाते हैं। अब ये जो चीज़ है लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। कैसे अच्छी हो जाती है इसको ज़रा समझें। कोई मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसके पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और उसके 10 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के हिस्से में आएगा 10,000 रुपये। अगर 5 बच्चे मर जाएं किसी भी रीज़न से, तो बचे कितने बच्चे, 5। अब हर सबके हिस्से में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपये। तो शेयर्स को समझिए बच्चों की तरह। शेयर्स कम हो गए तो सबका हिस्से की जो है वो वैल्यू बढ़ गई। तो यही चीज़ जो है शेयर बाईबैक के केस में हो जाती है। तो कंपनी ने जब अपने शेयर्स का बाईबैक कर लिया तो उतने शेयर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उतने आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ जो है शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ा देती है, कंपनी की रिटर्न इम्प्रूव कर देते हैं, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं जब बाईबैक होता है। तो बाईबैक में क्या हमें शेयर सरेंडर करने चाहिए? तो बहुत से लोगों को लालच आ जाता है, जैसे किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये चल रहा है तो बाईबैक का प्राइस जो है यूजुअली 120 होगा, 130 होगा, इस तरह का। तो हमें लालच आ जाता है कि यार ये 20%, 30% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो क्यों ना हम अपने शेयर को सरेंडर कर दें। तो अधिकतर लोग जो है वो सरेंडर कर देते हैं, पर मेरे हिसाब से सरेंडर आपको नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि अगर 100 रुपये किसी शेयर का प्राइस है अभी और कंपनी उसको 120 रुपये में वापस बाईबैक कर रही है, तो क्यों कर रही है? उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि शेयर का भाव कम से कम 120 को क्रॉस कर लेगा फ्यूचर में, तब जाके वो कर रही है, इसलिए वो कर रही है। आपको ये चीज़ सोचनी है। और जब बाईबैक होता है तो कितनी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो जाता है, रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव हो जाता है। तो इतने सारे जब इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं तो शेयर के प्राइस में एप्रिसिएशन जो है वो नॉर्मल केस के मुकाबले ज़्यादा होता है, शेयर के भाव को ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है मेरे हिसाब से आपको शेयर बाईबैक में अपने शेयर सरेंडर नहीं करने चाहिए, उन कंपनियों के नहीं करने चाहिए जो कि अच्छी हैं, जो कि डेप्ट जिनका डेप्ट कम है या डेप्ट फ्री हैं, जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही हैं, अच्छी खासी ग्रो कर रही हैं, उन कंपनीज के शेयर आपको बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करने चाहिए। कई बार जो है बाईबैक का यूज़ जो है इसलिए भी किया जाता है कि शेयर का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ, बहुत ज़्यादा, तो कंपनीज को जो है अगर दूसरे QIP वगैरह दूसरी इस तरह से जो है पैसा रेस करने में दिक्कत हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में शेयर का प्राइस ऊपर उठाने के लिए भी कई बार कंपनियां बाईबैक करती हैं। तो अगर उनका रीज़न जो है सिर्फ शेयर प्राइस को ऊपर उठाने का ना हो, कंपनी जो है ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आपको बाईबैक में जो है बिल्कुल भी अपने शेयर सरेंडर नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर ख़राब कंपनी है, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, सिर्फ वो ऐसे ही रीजंस के कारण जो है अगर बाईबैक ला रही, तो आपको सरेंडर बिल्कुल कर देना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कब आपको सरेंडर करने हैं और कब नहीं करना है। तो अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक है, तो बाईबैक में अपने शेयर सरेंडर मत कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। बाईबैक जो है वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ा देता है, कंपनी के रिटर्न रेशियो को बढ़ा देता है, अर्निंग पर शेयर को बढ़ा देता है, ROE को बढ़ा देता है। तो इन सारे रीजंस के कारण जो है आपको बाईबैक में शेयर्स अपने सरेंडर नहीं करने चाहिए।